समाधि की प्राप्ति। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, दुनिया के लोगों के लिए तो रोग मिटना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, लेकिन योग की दृष्टि से डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योगा, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिफाइन, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा। लेकिन दोनों चीजें एक साथ चलेंगे। रोगियों के लिए तो रोग से लड़ना और उसे जीतना, यही प्रथम कर्तव्य है। अब किसी को कोरोना हो रखा है, समाधि तो बाद में लगाएगा ना, पहले तो कोरोना से निपटना पड़ेगा। अब किसी को ब्लड प्रेशर है, पता लगा कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, दिमाग की नस फट गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, पता लगा ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक हो गया और मर गया, तो व्याधि मार देती है। व्याधि से भी हम मुक्त हो और समाधि से भी युक्त हो, ये दोनों काम एक साथ हो तो ही तो योग की महिमा है। तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करना सबके लिए जरूरी, कम से कम 5 से 10 मिनट। असाध्य रोगों में जिनको भयंकर अस्थमा है, जिनको कैंसर है, जिनको डायबिटीज है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनके लिए तो ये भस्त्रिका प्राणायाम 5 से 10 मिनट जरूरी है। पहले भस्त्रिका प्राणायाम करें, फिर इसके बाद कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जायी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, फिर जिनको आवश्यक है उनको क्षेत्री, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कंडोक, अंतक, अभ्यंतर आदि प्राणायाम हम बताते हैं। अभी भस्त्रिका करके अपने 5 प्राणों को, 5 कोशों को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को पुष्ट कर रहे थे और जिनको चरकत चाप हृदय रोग हो, कमजोरी विशेष हो, अस्थमा बहुत ज्यादा हो, क्रोनिक डिजीज हो, तो आराम आराम से ही करें। ऐसे सहजता पूर्वक ओम का ध्यान श्वासों के साथ, तो दोनों काम एक साथ होंगे। मैंने कहा व्याधि मुक्त समाधि युक्त जीवन कितनी बड़ी बात है। व्याधि की समाप्ति और समाधि की प्राप्ति, अब इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी घटना एक घटित होती है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, एक बहुत बड़ा प्रोसेसर है, एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है कि कैसे ये सारी व्याधियां मिटती है। यद्यपि योग की दृष्टि से ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से तो ये बहुत बड़ा काम है दुनिया के लोगों के लिए। ऐसे 5 मिनट भस्त्रिका करके अब कपालभाति, ये 5-10 मिनट का एक राउंड, और फिर धीरे धीरे करके ऐसे आधा घंटे तक कपाल भांति प्राणायाम करते हैं और प्रार्थना पूर्ण हृदय से करें। मैंने कहा प्राणायाम का तप, प्राणायाम परम तपः, प्राणायाम परम तपः, प्राण औषध है ये, संपूर्ण औषध है। अवातवाही भेषजम विवातवाही द्रपः, त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूतयस्। प्राण इज ए कंप्लीट मेडिकेशन, प्राण एक संपूर्ण औषध है रोगी के लिए, और योगी के लिए प्राणो ब्रह्मेति में जाना, योगी के लिए प्राण ब्रह्म। तो ऐसे ओम ओम का जप, प्राणायाम का तप चलता रहे, मन की चंचलता भी मिटेगी, और मन की चंचलता, मन के विकार, मन के दोष, मन की सारी दुर्बलताएं, वो सब मिटना भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके आगे मैंने कहा सारी व्याधियों की समाप्ति और समाधि की प्राप्ति, जीवन में पूर्ण समाधान,
पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण संतोष, पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण आनंद, यह है बड़ी बात। एक साथ सारे काम योग से होते। इसलिए मैं कहता हूं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है सुबह सुबह उठ करके सब लोगों को योग कराना। सब लोग योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, आसन व्यायाम करें और फिर दिन भर कर्मयोग करें। ऐसा जीवन हो सबका, ऐसे घर परिवार हो, ऐसा समाज, ऐसा राष्ट्र, ऐसा विश्व हो, योगमय भारत, योगमय आध्यात्मिक भारत और योगमय आध्यात्मिक विश्व, यही एक ध्येय है हमारा। और इसी के लिए हम सुबह से शाम तक 18-18 घंटा यह योगी का आध्यात्मिक पुरुषार्थ करते हैं और इसी में धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे पुरुषार्थ इसी में अभ्युदय निःश्रेयस यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, सबका अभ्युदय निःश्रेयस सिद्ध होगा। तो कपाल भाती लय के साथ करते रहे और जीवन से जुड़े हुए कुछ गहरे प्रश्नों का समाधान देता हो। यद्यपि मोटापा के लिए, मधुमेह, उदर रोगों के लिए, मेरुदंड के लिए, स्ट्रक्चरल फिजिकल बैलेंस के लिए, एक जनरल फिटनेस के लिए, जो हम आहार आदि लेते हैं उसको ठीक से हम डाइजेस्ट कर सके, अच्छे डाइजेशन के लिए, अच्छे मसल्स के लिए, अच्छे बॉडी की शेप के लिए। हाँ, बॉडी की शेप भी अच्छी होनी चाहिए। अश्मा भवतनस्तनो वेद भगवान की आज्ञा है, भगवान का विधान है। भगवान हम सबको कहते हैं कि हमारे शरीर वज्र की भांति होने चाहिए, इसलिए प्रतिदिन दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, अलग अलग आसन, अलग अलग प्रकार के व्यायाम भी 10-20 मिनट से आधा घंटा, और जिनको अत्यंत बल बढ़ाना वो 1-1 घंटा कर सकते हैं। लेकिन जो जीवन में मौत बन करके आते हैं उन रोगों का समाधान प्राणायाम ध्यान से ही होगा। प्राणायाम ध्यान पूर्वक करें, जैसे कुछ बड़े रोगों के संदर्भ में आज मैं बात करता हूं और उन 20-25 बड़े रोगों का संपूर्ण समाधान। मैं कभी भी बात करता हूं तो आधी अधूरी बात नहीं करता, और आधा अधूरा उपचार, आधी अधूरी बात, आधा अधूरा काम, आधा अधूरा प्यार, आधे अधूरी संबंध, ये ठीक नहीं होते। योग तो अपने आप में ही एक पूर्णता का विज्ञान है। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण लाभ होगा, पूर्णता का सिद्धांत है योग का, पूर्णता। तो पूर्ण लाभ रोग में भी, रोग भी पूरा मिटेगा और योग भी पूरा घटेगा। योग पूरा मिटेगा और योग पूरा घटेगा। क्या क्या, जरा शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बीमारी पूरी दुनिया में लगभग 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का दवा का कारोबार है, 16 करोड़। और अब तो ये मतलब कितने लाख करोड़ का हो गया कुछ पता ही नहीं, कितने हजार लाख करोड़ एक कोरोना ने कितने हजार लाख करोड़ दुनिया के डुबो दिए। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डुबो दी उसने, तो इकोनॉमी को डुबो दिया। सुपर पावर वो ध्वस्त हो गई है। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र को एक छोटे से जीवाणु ने डरा दिया। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र को एक छोटे से जीवाणु ने हरा दिया, उसको मिटा दिया एक तरह से। डराई नहीं दिया, डराना तो एक बात थी, उसने डरा दिया और अंततः उसको हरा दिया। तो मैंने कहा कि जो सिम्टोमेटिक इलाज एलोपैथी में है
उससे ज्यादा सिम्टोमेटिक इलाज तो योग आयुर्वेद में है। कोरोना अटैक कहां करता है? हमारे फेफड़ों पर। और यदि फेफड़े आपके स्वस्थ है अब कोरोना वाला इतनी जोर से तो नहीं कर पाएगा, वो इतना तो कर ही लेगा, लेकिन इतना भी जोर से ना कर पाए तो ऐसे तो कर ही लेगा। कोरोना वाले भस्त्रिका करें, अपने लंग को स्ट्रांग बनाए। कोरोना वाले कपालभाति करें, अपने पेनक्रियाज को, सारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करें। कोरोना अटैक करे तो आप अपने आप को तभी प्रोटेक्ट कर पाएंगे जब आपके इंटरनल ऑर्गन स्ट्रांग है। अनुलोम विलोम से अपने हार्ट को, नर्वस सिस्टम को, स्ट्रेस को मैनेज करें। फिर भ्रामरी उद्गीत से अपने आप को पूरी तरह से डिस्ट्रेस कर लें, अपना आत्मबल भी बढ़ाएं। डर नहीं होना चाहिए अपने भीतर, कहते ने जो डरा सो मरा। इसलिए अथर्वेद में भगवान ने तो मंत्र ही कहा, न मरिष्यति न मरिष्यति मा भीभि सर्वो वै तत्र जीवति गोरश्वः पुरुषः पशु यत्र इदं क्रियते ब्रह्म परिधि जीवनायकम्। ब्रह्म का अर्थ है प्राण, ब्रह्म का अर्थ प्राण है, और प्राण हमारा सबसे बड़ा त्राण है। देखो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, फिर जिनको आवश्यकता है उनको बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध के साथ उज्जाई, गले और थायराइड के लिए, कोरोना के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए, कफ के लिए, एलर्जी के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उसके लिए, फिर जिनका बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है, बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम, उनके लिए शीतली शीतकारी, जिनको कोरोना है, बहुत ज्यादा मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, सर्दी बहुत लगती है, उनके लिए सूर्य भेद, जिनको पित्त की बीमारी है, उच्च रक्तचाप की बीमारी है, और जिनको गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है, तो शीतली, ये शीतकारी के साथ चंद्र भेदी, तो शीतली शीतकारी, चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, नाड़ी शुद्धि, जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स, उनके लिए, जिनको कान के रोग हैं उनको के लिए करोना रोगांत, और अपने फेफड़े को स्ट्रेंथन करने के लिए, और सेल्फ डायग्नोसिस के लिए भी मैंने कहा, कोरोना सहित आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम कितने स्ट्रांग हैं उसको आप माप सकते हो। भर के श्वास ऐसे रख लिया, और यदि आप को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अस्थमा है, क्रॉनिक डिजीज है, तो आधा मिनट तक आप रोक लेते हैं, तो इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है। और जवान है तो 45 सेकंड से लेकर के एक मिनट तक आप रोक लेते हैं तो आपको कोरोना नहीं है। एक बात और भी बताती, तो कोरोना से संक्रमित होकर के जो नेगेटिव आ गए वापस पॉजिटिव आ रहे हैं, कोरिया से लेकर के, चाइना से लेकर के, अब पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में भी रिपोर्टें आ रही है कि कोरोना से संक्रमित हुए, एक बार रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और कुछ अंदर जीवाणु बच गए थे जो लिया कोरोना में टेस्ट करने के लिए, अंदर का जो है जो भी सलाइवा लिया या नाक से जो भी कफ आदि लिया, अब उसमें वो आया नहीं, 10-20 अंदर कहीं छुपे रह गए कोरोना के वायरस, और फिर महीने 20 दिन के बाद सेकंड राउंड शुरू हो गया। अब सेकंड वार चल रहा है, एक तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह, तो एक ही बार की कोरोना का प्रहार को झेल नहीं पाई थी दुनिया, अब सेकंड राउंड चल रहा है, सेकंड अटैक चल रहा है कोरोना का, कौन बच पाएगा? जो योग करेगा। योग से मैंने कहा, आप अपने लंग को ठीक कर लेते हैं, आप अपने ब्लड प्रेशर को, हार्ट को ठीक कर लेते हैं, अपने पेनक्रियाज को ठीक कर लेते हैं, कपालभाति, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन,
जिसे जितना बन पाए, 5 से 10 आसन हम बता देते हैं और 5 प्राणायाम बस। डायबिटीज ठीक, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक, ब्लड प्रेशर ठीक, अस्थमा ठीक, सारी क्रोनिक बीमारियां ठीक, तो फिर आपका कोरोना क्या बिगाड़ पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कोरोना से लेकर के फिर उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियां युगों युगों से, सदियों से हमारे पूर्वजों ने हमको बताई। तो चलिए आप अब मेरे साथ साथ 5, 10 मिनट, 15 मिनट कपालभाति कीजिए। कपालभाति करते करते थक जाए तो 10-15 मिनट में फिर एक बार अनुलोम विलोम कर लेना, 10-15 मिनट फिर कपालभाति कर लेना, 5 से 10 मिनट का एक राउंड एक सेट कपालभाति का, फिर अनुलोम विलोम का, फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, ऐसे एक क्रम जारी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कोरोना का जो ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, लाक्षणिक उपचार उसको बोलते हैं, जो भी कोरोना के लक्षण हैं उनसे आप लड़ पाएंगे क्या करके, कपालभाति करके। इसलिए सब कीजिए, कपालभाति कीजिए, लगातार कीजिए, रुकना नहीं, आपको लय के साथ करना है। एक अनुष्ठान की तरह और मन में संकल्प कीजिए, संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे तो मैं बोलता हूं कि प्राणायाम जो है वो एक संजीवनी की तरह है, प्राणायाम हमें नया जन्म देता है, नया दिव्य जन्म देता है, दिव्य जन्म, हाँ, इस ये कल्प वृक्ष की तरह है, कल्प वृक्ष की तरह है। इससे सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस होता है। 3 लाभ जो मैं बताता हूँ कि सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, डीजनेट विशेष का रिजनरेशन और दिव्य रूपांतरण, बैलेंस, रिज्यूनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दिव्य रूपांतरण, दिव्य जन्म, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति योग से होती है। तो कपालभाति लय के साथ करते रहे। और मैं कह रहा था कोरोना के कारण से हाई रिस्क जोन में रहते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, जिनको क्रोनिक डायबिटीज और क्रोनिक डिजीज है, सबसे पहले हम इसी को लेते हैं। और मैंने ये सब रोग हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों के दूर किए। मैंने 200 करोड़ से ज्यादा दुनिया के देशों के लोगों के, 200 करोड़ से ज्यादा, 200 से ज्यादा देशों के 200 करोड़ से ज्यादा लोगों तक तो योग को पहुंचा दिया डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। और उससे क्या क्या हुआ, करोड़ों लोगों ने अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया, अपनी शुगर ठीक कर ली, अपना अस्थमा ठीक कर लिया, अपनी हार्ट प्रॉब्लम ठीक कर लिया, अपने लीवर किडनी की प्रॉब्लम ठीक कर ली। और वो दुनिया के रोग जिनको अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जिनको गाउट, जिनको ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के जितने भी रोग हैं उनको मिटा लिया, सर्वाइकल स्पोंडाइलाइटिस, लिप डिस्क, एंकलोजिंग स्पोंडाइलाइटिस, जिनका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। किसी को रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाए, किसी को एंकलोजिंग स्पोंडाइलाइटिस हो जाए, दुनिया में कोई इलाज नहीं है। किसी को सोराइसिस, एक्जिमा और लिकोडर्मा हो जाए, कोई इलाज नहीं, स्क्लेरोडर्मा का कोई इलाज नहीं। अरे साहब, एक और भयंकर बीमारी होती है लंग फाइब्रोसिस, अस्थमा कफ तो है ही, लंग फाइब्रोसिस वो भी मैंने अच्छा किया, हेपेटाइटिस वो अच्छा किया। आज पूरी दुनिया में स्वामी रामदेव को करोड़ों लोग इसलिए नहीं मानते कि मैंने कोई ढोंग, 8 नंबर पाखंड, अंधविश्वास फैलाया, मैंने अपने को भगवान की तरह प्रचारित किया, कि मैंने कोई चमत्कार किया, कि मैंने कोई जादू टोना दिखाया, मैंने किसी अतिंद्रिय शक्ति का प्रदर्शन किया, या जो किसी बहुत बड़ी गद्दी पर, पीठ पर मैं बैठ गया, भाई ये 500 हजार साल, 5-10 हजार साल पुरानी कोई पीठ है, गद्दी है, मैं उसका उत्तराधिकारी बन गया, या किसी धर्म सत्ता का, राज सत्ता का, किसी राजवंश का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ दुनिया की कोई बहुत बड़ी फेमस फैमिली से,
कोई ऐसे मैं आया हूं और धन दौलत के बल पर किसी भी दूसरे उन्माद को फैला के, जातिवाद को, मजहबी उन्माद को, या किसी जाति को, मत पंथ संप्रदाय को, या किसी भी चीज को मैंने सीढ़ियां बना करके यह पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि नहीं पाई है। करोड़ों लोगों ने आज योग को अपनाया और योग जन आंदोलन बना है, तो इस जन आंदोलन के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? इस जन आंदोलन के पीछे की पृष्ठभूमि यह है कि करोड़ों लोगों को लाभ हुआ है। लाभ के आधार पर, लाभ के आधार पर ये योग जन आंदोलन बना है। जन आंदोलन बहुत बड़ा शब्द है, कपाल भाती करते रहिए। और इसे क्या हुआ, जरा मैं उसको शब्द दे रहा हूं, आप लय के साथ कपाल भाती आधा घंटा तक कीजिए। जो सिद्धासन में बैठ सकते हो सिद्धासन में बैठ जाएं, जो पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में भी 10-20 मिनट आधा घंटा बैठ जाएं, फिर बदल लेना, एक दो आसन बदल सकते हैं बीच में। जो नीचे नहीं बैठ सकते कुर्सी पर बैठ जाना, तो बैठ भी नहीं सकते हो लेटे लेटे ही भस्त्रिका का कपाल भाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लेना। मैंने उन लोगों को भी नवजीवन दिया है जो बैठ भी नहीं सकते थे, लेटे लेटे ही उन्होंने किया, लेटे लेटे किया, पैरालिसिस ठीक हो गया। अब देखिए, लेटे लेटे कपाल भाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ये सब किया, अनुलोम विलोम ज्यादा करा देते हैं तो पैरालिसिस ठीक कर दिया। अनुलोम विलोम एक एक घंटा सुबह दोपहर शाम 3 बार किया और मात्र 5 से 7 दिनों में, मेरे पास पूरे एविडेंस है, प्रूफ है और जिंदे प्रूफ हैं और डॉक्यूमेंट्स भी, बाकी जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके रिसर्च पेपर हमने प्रकाशित किए हैं, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किए हैं। 2 तरह के प्रूफ मेरे पास हैं, एक तो पेपर और डॉक्यूमेंट्स हैं और दूसरा प्रैक्टिकल प्रूफ्स हैं। जैसे मैं अभी पैरालिसिस की बात कर रहा हूँ, यही हरिद्वार के ही कनखल जो बहुत पुराना तीर्थ है, जहाँ दक्ष प्रजापति का मंदिर भी है, उसी के पास में अखिलेश पंडित रहते, उस बेटे को पैरालिसिस हो गया, रोने लगा। मैं बाहर था, मैंने फोन पर ही बताया कि जब मैंने आपको बता रखा है ये अनुलोम विलोम करो, उसने किया और 5 दिन के अंदर ही उसका पैरालिसिस ठीक हो गया। हमारे सुधांशु अधिकारी उड़ीसा राज्य के राज्य प्रभारी हैं हमारे, उसको भी अचानक कोई क्लोट आ गया। योग करने वालों को भी कभी इन पीड़ाओं का सामना करना पड़ सकता है, कोई प्रारब्ध दोष है या कोई शरीर में कोई विकृति आ गई, मान लीजिए कोई क्लोट आ गया ब्रेन के अंदर, पैरालिसिस हो गया, तो घबराए नहीं कि मैं तो योग कर रहा था कैसे आ गया, भाई कुछ भी कारण रहा होगा उसका, जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है, कोई प्रारब्ध दोष से भी हो सकता है, आहार दोष से भी हो सकता है, कोई अवरोध तो कहीं पर भी आ सकते हैं ना, बाधाएं चुनौतियां। तो उसने किया और मात्र 3 दिन के अंदर ही उसने अपना पैरालिसिस ठीक कर लिया। ऐसे ही एक गुजरात के भाई ने मेरे को बताया, कितने लोगों के मेरे पास में प्रात्यक्षिक है, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष किम प्रमाण, और बहुत ज्यादा होने पर मेधावटी, अश्वगंधा कैप्सूल या अश्वशिला कैप्सूल, मेधावटी अश्वगंधा या अश्वशिला कैप्सूल, सारस्वतारिष्ट और एकांगवीर रस, रसराज रस, योगेंद्र रस, मोती पिष्टि, प्रवाल पिष्टि दे देते हैं साथ में खाने के लिए, ठीक हो जाता है पैरालिसिस। बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हो तो साथ में मुक्तावटी दे दी, 2-2 गोली खाली पेट। बहुत ज्यादा शुगर भी बढ़ा हुआ है पैरालिसिस वालों को तो मधुनाशिनी दे दी, और शुगर वालों को खीरा करेला टमाटर का जूस पिला दिया है, ये तो नेचुरल रेमेडी है। और ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था, एसिडिटी बहुत बढ़ी हुई थी, हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी और पेट भी खराब, तो लौकी का जूस पिला दिया। अभी सिंपल सी चीजें, माने डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, इसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, दोनों एक साथ डील हम करते हैं। और जो ड्रग के साइड इफेक्ट्स होने से, साइड इफेक्ट उससे बहुत लोगों को बहुत तरह के, एक बहुत बड़ा ही कुचक्र है, एक बहुत बड़ा कुचक्र है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है,
और इससे आदमी बाहर नहीं निकल पाता है। पूरी दुनिया में अभी तक यही कहा जाता था कि बीपी क्योर नहीं होता, थायराइड क्योर नहीं होता, अस्थमा क्योर नहीं होता है। ९९% मैं कहता हूं बीमारियों को हम क्योर कर सकते हैं, कुछ 1% एक्सेप्शन अपवाद के तौर पर हो सकता है आपको कुछ बीमारियों को कंट्रोल कर पाए, क्योर भी नहीं कर पाए तो वो एक्सेप्शन के तौर पर है कि बहुत ज़्यादा जेनेटिक प्रॉब्लम है, बॉडी का स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है, शरीर के साथ बहुत क्रूरताएं की, अपने जीवन पर ध्यान नहीं दिया, माने जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम्स थी, फिर एनवायरनमेंट भी जहाँ रह रहे थे वहाँ ठीक नहीं था, आहार आदि ठीक नहीं था, लाइफस्टाइल ठीक नहीं था, ड्रग एडिक्शन, खाने पीने उठने जागने सोने जीने का कोई ठिकाना नहीं था, इनडिसिप्लिन लाइफ जी, तो तमाम चीज़ें होने के बाद भी मैं कह रहा हूँ 99% दवा और 99% ऑपरेशन से हम मुक्त कर देते हैं योग आयुर्वेद के जरिए, कितनी बड़ी बात है। चलिए अभी मैं पैरालिसिस के बारे में बता रहा था, तो अनुलोम विलोम ये आधा आधा घंटा एक एक घंटा हम करवा देते हैं। कैंसर जैसे रोगों को हमने मिटाया, ऐसा नहीं, हमें सोटोमन डिजीज को मिटाया, क्या किया, कपालभाति 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 3 बार, आधा आधा एक एक घंटा, धीरे धीरे समय बढ़ता गया, और अनुलोम विलोम खाली पेट भी और खाने के आधा घंटे बाद भी, कुछ ने तो दिन भर किया 8-8 घंटे, और उसके लाइव एग्जाम्पल मेरे पास में, जिनका शरीर पूरी तरह से जर्जरित हो गया था, किसी को हड्डी का कैंसर, किसी को पेनक्रियाज का कैंसर, किसी को लीवर का, किसी को ब्रेस्ट का, और डिजनरेट हो गई थी हड्डियाँ। स्वामी प्यारी चंडीगढ़ की बहन तो उसका लाइव एग्जाम्पल है, स्ट्रेचर पर यहाँ पर लेकर के आए, उसने सुबह दोपहर शाम 3 बार 8-8 घंटे प्राणायाम किया। आप सोचिए, बोले 8 घंटे कौन कोई प्राणायाम कैसे कर लेगा, अरे 8 घंटे जब पेट पालने के लिए, घर परिवार पालने के लिए, पेट भरने के लिए मजदूरी कर सकते हैं 8 घंटे की, तो मैंने 8 घंटे तक भी प्राणायाम करवाया, 8 घंटे तक, 2 घंटे 3-4 घंटे से लेके 8 घंटे तक, एक किंसुक यही सेवा करता था लड़का, यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते ही उसको कॉलेज में ही कैंसर हो गया था, ठीक हो गया, ऐसे मोटी मोटी एक एक दो दो किलो की गांठें थी, घुल गई, कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया, कपालभाति खाली पेट, अनुलोम विलोम खाली पेट, और खाने के बाद भी फिर दिन भर कर सकते हैं अनुलोम विलोम में, खाने का कोई विशेष नियम नहीं, खाली पेट करना पड़ेगा कपालभाति। तो मैं कह रहा था स्वामी प्यारी को पूरे ये स्ट्रेचर पर लेकर के आए थे, सारे मण के उसके खलास हो गए थे, डीजर्नेट वेर, हड्डियों के सेल्स डीजर्नेट हो गए, और 3 महीने के अंदर वो ठीक हो गए। अब SGPGI चंडीगढ़ वाले उसको बुलाते हैं और उसने सैकड़ों और रोगियों को ठीक कर दिया, वो सुबह से शाम तक पति पत्नी इसी सेवा में लगे थे योग की, कि हमें जिंदगी मिली तो योग से मिली, अब हमारे जीवन का और कोई प्रयोजन है ही नहीं, जो हमें योग से जिंदगी मिली है तो मोरों को जिंदगी देंगे, इसी काम में पति पत्नी सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, बोले हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है योग से लोगों को जिंदगी देना। फिर अपने साथ में गिलोय, तुलसी, ये कुछ जड़ी बूटियां भी सुबह सुबह ले लेते हैं, गिलोय लगी हुई है पूरे देश में, उनको पहचान है, तो कुछ अपने घर में लगा रखे, कुछ बाहर पेड़ पौधों से ले लेते हैं, गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, वीटग्रास, नीम पत्र, 5 चीज़ें तो हम पीने के लिए बोलते ही हैं, और गोमूत्र। फिर जो असाध्य रोग हो जाता है कैंसर का, तो उसमें हीरक भस्म, ताम्र भस्म, शिला सिंदूर या रसमाणिक, प्रवाल पिष्टि, संजीवनी वटी, वृद्धिबाधिका, काचनार गुगुल, ये भी दे देते हैं, कायकल्प क्वाथ पिला देते हैं उनको, क्यों हो जाते कैंसर के। तो योग आयुर्वेद का प्रयोग, एक स्वस्थ जीवन शैली, खीरा करेला टमाटर का जूस जैसे डायबिटीज वालों के लिए बताते, बीपी वालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए, फैटी लीवर वालों के लिए, एसिडिटी वालों के लिए, जैसे हम लौकी का जूस बताते हैं, ऐसी ही कैंसर के रोगियों के लिए हमने ये वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये पंचामृत मैंने कहा, और गोमूत्र भी उनको पिलाते, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, जो क्रोनिक जो है, जिनको फैटी लीवर है, क्रोनिक जिनको स्किन प्रॉब्लम है, क्रोनिक जिनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का कोई समाधान नहीं था, थोड़ा थोड़ा किया, और सारे एसिड्स शरीर के, टॉक्सिन्स,
जैसे किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी को आर इफेक्ट बढ़ा हुआ है, कोई भी चीज़ एक्सेस बढ़ी हुई है शरीर के अंदर, उसको निकालना है तो क्या करें? तो प्राणायाम करें एक, तो इससे किडनी अच्छी हो जाएगी, लीवर अच्छा हो जाएगा, इंटेस्टाइन अच्छी हो जाएगी। तो हमारी आंतें, हमारी हमारा लीवर, हमारी किडनी जब अच्छे होते हैं तो ये जो पोषक तत्व हैं जितना जरूरी है शरीर के लिए, कैल्शियम, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फैट, वो सब चीज़ को जितना जरूरी है उतना सोख लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जितना गैर जरूरी है उसको फिर आते ठीक होंगी तो आते भी जितना गैर जरूरी है कुछ टॉयलेट से निकल जाएगा जो एक्सेस है, और कुछ यूरिन से पास आउट हो जाएगा, कुछ पसीने से निकल जाएगा। तो जो योग करते हैं उनके शरीर में कोई चीज़ एक्सेस नहीं होती है, नो डिपोजिशन, कोई चीज़ डिपोजिट नहीं होगी एक्सेस, और कोई चीज़ का डेफिशिएंसी भी नहीं होगी, दोनों काम एक साथ। कुछ लोगों के शरीर में एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपोजिट हो जाता है हार्ट में तो हार्ट ही खराब हो जाता है, किसी के आयरन, किसी के कॉपर, अलग अलग चीज़ें एक्स्ट्रा डिपोजिट हो जाती है बॉडी में। अब ये कैल्शियम किडनी में डिपोजिट होता तो उससे किडनी में स्टोन बन जाता है, पेनक्रियाज में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो गया उसमें और कैल्शियम डिपोजिट हो गया, पेनक्रियाज में भी पथरी बन जाती है, और यहाँ गाल ब्लैडर में भी पित्त डिपोजिट हो गया, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो गया तो उससे गाल स्टोन बन जाता है, कोई चीज़ एक फैट सेल डिपोजिट हो गई गांठ बन जाती है। तो कोई चीज़ डिपोजिट नहीं होगी और कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, आयरन की, कैल्शियम की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, कोई डेफिशिएंसी नहीं। क्या बड़ी बात है, एक कितनी बड़ी ब्यूटी है योग की। इसलिए मैं कहता हूँ योग से बड़ी विद्या, योग से बड़ा समाधान, योग से बड़ा विज्ञान, योग से बड़ी कोई कला, योग से बड़ी कोई कुशलता, योग से बड़ी कोई संजीवनी, कोई औषधि, योग से बड़ी कोई विद्या, इसमें तो अपरा विद्या, परा विद्या सब सन्निहित है इस ब्रह्म विद्या में, प्राण विद्या में। तो खैर मैं कह रहा था इनकेरेबल डिजीज, कैंसर हमने क्योर किया, वैसे लिया मैं सोटोमेन डिजीज, उसमें भी कपालभाति, अनुलोम विलोम एक एक घंटा तक हमने करवाया। अब 8-10 वो बीमारियां ले लेते हैं जिससे ज्यादातर लोग पीड़ित हैं, जैसे ज्यादातर लोग पीड़ित हैं डायबिटीज से। अब डायबिटीज के पेशे नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, ये हमने करके दिखाया है, डायबिटीज और इसके साथ साथ ओबिसिटी। देखो डायबिटीज के रोगियों को हमने कपाल भाती करवाया, अनुलोम विलोम ये तो जरूरी है, पांच प्राणायाम तो जरूरी है, जिससे और ज्यादा हो पाए तो अच्छी बात है, कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो सर्वाधिक करवाते हैं, बाकी भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम भी अच्छा है डायबिटीज के लिए, पेट के लिए। फिर जिनको थायराइड के भी साथ में समस्या हो तो उज्जाय भी कर लेने, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और ओंकार ध्यान, ये तो हम सबको कराते हैं। फिर अपवाद रूप में जिनको आवश्यकता होती है उनको फिर शीत ऋषितकारी, चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, नाड़ी शुद्धिकरण, रोगांत अभ्यंतर प्राणायाम करवा देते हैं। तो मैं कह रहा था डायबिटीज के लिए जितना हो सके भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये प्राणायाम किया, मंडूकासन, शशकासन, जिनसे बन पाए उनसे योग मुद्रासन, अर्धमत सिंद्रासन या वक्रासन करा दिया, जिनसे बन जा पाता उनसे गोमुखासन कराते हैं, नहीं तो फिर सीधा पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जिनका शरीर अच्छा उनसे फिर सेतु बंधासन, पादांगुष्ठासन, पादांगुष्ठन आसास प्रशासन भी करवा देते हैं। लेकिन कम से कम मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन पर्याप्त है, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन या नौकासन दोनों में से एक भी कर लिया तो पर्याप्त, लेकिन ये करना पड़ता है तरीके से। ये हमने 60 जिलों में हजारों लोगों पर प्रयोग किया और डायबिटीज के पेशे नॉन डायबिटिक हो गए 3 महीने के अंदर, 6 महीने तक प्रयोग चला, ग्लाइकोसाइड, हीमोग्लोबिन चेक किया, एवरेज सुगर 6 से भी नीचे आ गई, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटीज हो गए। ये है महिमा,
जिनको बहुत ज़्यादा शुगर थी उनको खीरा करेला टमाटर का जूस भी मैंने कहा ये तो नेचुरल रेमेडी है, होम रेमेडी है, उनको मधुनाशिनी या मधुकल्पवटी या गिलोय का काढ़ा या गिलोय घनवटी भी साथ में खिला दी। चाहे जेनेटिक डायबिटीज हो, चाहे किसी भी कारण से डायबिटीज हुई है, ये लगातार करें। लगातार करें कपालभाति और इसके द्वारा कपालभाति अनुलोम विलोम ज्यादा करना पड़ेगा, कुछ प्राणायाम, कुछ आसन कर। डायबिटीज क्यों हो जाता है? डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, बड़ी बात है। ऐसी जिनको थायराइड की बीमारी थी उनको हमने कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, थोड़ा ग्रीवा संचालन जिनसे बन पाया उनको हमने सर्वांगासन हरासन भी करवा दिया। कपालभाति, उज्जाई, यथाशक्ति रोग के दाएं को बंद करके 22 कपाल भाति, उज्जाई, सिंहासन, थोड़ा ग्रीवा संचालन, सर्वांगासन, हलासन जो बन पाए तो कर लेना, नहीं तो बस थोड़ा पॉइंट दबा दिया। थायराइड क्यों हो गया? बहुत ज्यादा थायराइड की प्रॉब्लम होने पर उनको त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम, गोदंतिया प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम मिलाकर के सुबह सम चटा दिया। किसी को गले में गांठ भी हो गई, गला बहुत भारी हो गया तो उनको वृद्धिवादी का वटी और काचन और गुगुल दो दो गोली दे दी। थायराइड भी ठीक, गला में गांठ हो गई थी वो भी ठीक, थायराइड पैरा थायराइड दोनों ठीक, T3 T4 TSS का 100% बैलेंस, दवा बंद। तो BP की दवा बंद करवाई हमने, शुगर की, थायराइड की दवा बंद कराई। अब BP की दवाई 99% लोगों की पहले ही दिन बंद हो जाती है, उनको सुबह शाम लौकी का जूस पिला देते हैं, बहुत ज्यादा है तो मुक्तावटी खिलाते हैं, तो नहीं तो वो भी नहीं खिलाते। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी प्राणायाम दोनों समय, थोड़ा योग निद्रा, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम, जितना उनसे बन पाते हैं उतने आसन करवा देते हैं। अनुलोम विलोम पहले दिन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल, प्राणायाम करते करते मन भी अपने आप शांत हो जाता है। मन बहुत लोगों का बहुत चंचल होता है, अशांत रहता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे लगातार करना। लय के साथ करें, लगातार करें। जिनको भी ब्लड प्रेशर है उनको हमने लगातार अनुलोम विलोम कराया, एक राउंड 5-10 मिनट का, 15-20 मिनट बहुत असाध्य है तो आधा घंटा तक भी अनुलोम विलोम कराते, फिर भ्रामरी, उद्गीत, ये भी 7-11-11 बार तक, थोड़ी देर श्वासों पर ओंकार का ध्यान, शीतली शीतकारी प्राणायाम, बहुत जरूरी होने पर किसी किसी को हमने चंद्रभेदी भी कराया, नहीं तो बस इतनी 5 से हो जाता है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी, खाने पीने पर कंट्रोल। और भी शरीर में दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लड प्रेशर के साथ शुगर भी है, मोटापा भी है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, तो उसके लिए भी साथ साथ बताते हैं। अब मोटापा है तो मोटापा वाले अभ्यास करा देते हैं, मोटापा के लिए 12 आसन आप कराते हैं, 2 रिलैक्सेशन के लिए मरकटासन और शवासन। अब ब्लड प्रेशर के साथ एक साथ किसी को 5-7 बीमारियां, जैसे मैंने देखा बहुत लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर होता है उनको मोटापा भी होता है, तो उनको मोटापा वाले एक्सरसाइज भी आराम आराम से कराते हैं लंबे लंबे श्वासन के साथ। अब मोटापा के साथ में उनको डायबिटीज भी है तो फिर डायबिटीज वाले भी आसन करा दिए और प्राणायाम भी करा दिए, तो डायबिटीज भी ठीक,
मोटापा भी ठीक और ब्लड प्रेशर भी ठीक। अब हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनको अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ मुकाढ़ा बना करके पिला दिया, हृदयामृत दो दो गोली खिला दी और अकीक पिष्टी, संगे सौ पिष्टी, मोती पिष्टी और योगेंद्र रस। इसके ऊपर तो अभी साइंटिफिक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी कर दिए इन सारी औषधियों के ऊपर, जिनमें योग के साथ साथ जिन दवाओं का भी नाम मैं बता रहा हूं, दवाओं पर भी हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर दिया है, चाहे वो मुक्तावटी है, चाहे वो मधुनाशिनी है, चाहे वो हृदयामृत है, चाहे योगेंद्र रस। अब योगेंद्र रस का कहीं विधान नहीं है शास्त्रों में। अब आप कहेंगे कि आप शास्त्रों से भी बड़े हो गए, मैं किसी से बड़ा नहीं, हमने तो जो अनुभव किया है वो बता रहे आपको, हमने आधार सब शास्त्रों का लिया है, सत्य का लिया है और प्राचीन ज्ञान के साथ, वेदों के साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान का हमने आश्रय लिया। और मैंने कहा अकीक पिष्टि, संगेशो पिष्टि, मोती पिष्टि, योगेंद्र रस, ये हमने दे दिया हार्ट वालों को, हृदयामृत दो दो गोली खिला दी, अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ उसका काढ़ा पिला दिया, अर्जुनारिष्ट पिला दिया और हार्ट के रोगी ठीक हो गए। इतना जबरदस्त है, अनुलोम विलोम लय के साथ ऐसे करते रहे तो ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट की प्रॉब्लम थी तो वो भी दूर हो गई। ब्लड प्रेशर, हार्ट की, शुगर की, मोटापा की एक साथ समस्या थी, दूर हो गई। उसकी भी दवाई साथ में दे दी और योग भी करा दिया। अब प्राणायाम से अस्थमा तो साथ साथ ठीक हो जाता, मोटापा, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज के साथ साथ किसी किसी को ऐसा भी कि उनको अस्थमा भी था, तो अस्थमा के लिए हमने श्वासारी काढ़ा पिला दिया, श्वासारी गिलोय तुलसी का काढ़ा पिला दिया और श्वासारी त्रिकुटा सितुपलादी अब्रक और स्वर्ण वसंत मालती, ये शहद में चाटने के लिए दे दिया। बहुत ज्यादा कफ अस्थमा था तो संजीव लक्ष्मी विलास ये गोलियां भी दे दी और साथ में दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश भी खिला दी। लेकिन जिनको शुगर था उनको च्यवनप्राश दिया नहीं, वैसे शुगर वालों के लिए हमने च्यवन प्रभा, च्यवनप्राश का शुगर फ्री विकल्प भी हमने निकाल रखा है। तो ये क्या जबरदस्त लाभ। अब अस्थमा भी ठीक, और अस्थमा के लिए श्वासारी का एलोपैथी की जो कफ अस्थमा एलर्जी की दवाई उससे ज्यादा इफेक्ट है, ये हमने साइंटिफिक रिसर्च करके प्रमाणित कर दिया है, इंटरनेशनल जर्नल में भी हमने रिसर्च पेपर पब्लिश करवा दिया है। अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें योग के द्वारा हो रही हैं, आयुर्वेद के द्वारा हो रही है, अब फिर भी कोई नाम आने योग आयुर्वेद की महिमा को तो ये तो उसकी हठधर्मिता है, ये तो अज्ञान है, ये बात ठीक नहीं। तो मैंने कहा ब्लड प्रेशर के साथ साथ जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, मोटापा की प्रॉब्लम थी वो भी हमने ठीक कर दी। अब किसी की लंबे समय से ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं थी, किडनी खराब होगी तो हमने साथ साथ किडनी भी ठीक कर दी। किडनी के लिए हमने वृक्क दोषर क्वाद दिया, वृक्क दोषर बटी, नीम के पत्तों का रस, पीपल के पत्तों का रस पिला दिया सुबह शाम खाली पेट, किडनी का ही पॉइंट दबा दिया हथेली के बीच में और छोटी उंगली के ऊपर, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम तो आधा आधा घंटा करवाते हैं, सुबह दोपहर शाम तीन बार करवा देते हैं जिनको बहुत ज्यादा रोग होता है। और मैंने कहा जिनको एकदम यही लग रहा है कि अब तो मौत ही सामने खड़ी भी, डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब तो महीना दो तीन महीना के का ही मेहमान है, कुछ लोग तो ऐसे टाइमिंग देते हैं जैसे यमराज के साथ उनकी सेटिंग हो रखी हो, उनकी डायरेक्ट बात होती हो कि बस हम भेज रहे हैं अभी एक महीना प्रतीक्षा करो, एक महीने में ये आने वाला है, दो महीने में ये आने वाला है, तीन महीने में ये आने वाला है, ऐसे टाइम दे देते हैं और डरा देते हैं लोगों को, ये गलत बात है। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को हौसला देता हूँ, अरे भाई आप अपना काम करो, यदि मौत आनी होगी तो उसको तो भाई कोई टाल नहीं सकता, लेकिन 99% योग आयुर्वेद में एक्सेप्शन तो देखो नेचुरल डेथ भी होती है और कोई रोग का इतना ही भयंकर उपद्रव हो तो फिर देखो वो एक अलग कहानी है, लेकिन आप अपनी किडनी को फेल होने से बचा सकते हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम हम दो टाइम करवा देते हैं, तीन टाइम भी करवाते हैं लोगों को, वृक्क दोषर्वटी, वृक्क दोषर्क्वाथ, साथ में ही जिनको जरूरत है उनको चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर या गोक्षरादि गुगुल भी देते हैं। किडनी की प्रॉब्लम हमने मिटा दी, उनका मीठा बंद कर देते हैं, नमक बंद कर देते हैं, नमक पहले दिन से बंद, उनको प्रोटीन भी कम देते हैं, लो प्रोटीन डाइट देते हैं जिससे कि किडनी के ऊपर प्रेशर ना आए।
इतना सरल सा सरल सी बात है। हमने ये असाध्य रोग है मेडिकल साइंस की दृष्टि से, एक बार जिसका क्रिएटिनिन बढ़ गया, 1.5 से ऊपर गया, 2-3 गया, तो किडनी फेल होगी, पहले उसको डायलिसिस, बाद में उसको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। हमने लाखों लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट होने से बचाया, उनका क्रिएटिनिन नॉर्मल कर दिया है। हमने लाखों लोगों का लिवर ट्रांसप्लांट होने से बताया, SGOT, SGPT, ब्रेडोबिन लेवल बढ़ गया था, लिवर सिरोसिस तक हो गया था, सर्वकल्प क्वाथ फैला। इसके ऊपर हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर लिया है सर्वकल्प क्वाथ के ऊपर, जो मैं बता रहा था, मधुनाशिनी, मुक्तावटी, हृदयामृत, योगेंद्र रस, इन सब के ऊपर, अर्थराइटिस के लिए अश्वशिरा कैप्सूल, पीड़ांतक, इनके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हमने कर लिया है। तो मैं कह रहा था अब लिवर फेलियर होने वाला था, कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहो लगातार, ये तो अनुलोम विलोम और ज्यादा करना है, ये करवाया, सर्वकल्प क्वाथ पिलाया, साथ में उसको पुनर्नवादी मंडोल दे दी, हृदयामृत एक औषधि हमने वो बना रखी वो दे दी, सर्वकल्प क्वाथ का एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसके ग्रेन्यूल्स बना करके दे दिए। किसी किसी को तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था सर्वकल्प क्वाथ, तो उसका काढ़ा और उसका ग्रेन्यूअल दोनों ही लाभ करते हैं। हमने दिया लोगों को, लीवर सिरोसिस तक अच्छा हो गया, लीवर फेलियर से बच गए, नहीं तो लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता। माने सामान्य रूप से जोंडिस तो हम सर्वकल्प क्वाथ पिला करके, मको का, शोनाक का, भूम्यावला का, पुनर्नवा का रस पिला करके, काढ़ा पिला करके, कुमार्यासव, लोहासव, ये सब पिला करके ही ठीक कर देते हैं। बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ी हुई होती है तो उनको सूत शेखर रस, कामदूत रस, मोती पिष्टि दे देते हैं। माने हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, तीन क्योर हमने की। लाखों लोगों को मैंने किडनी ट्रांसप्लांट से, लीवर ट्रांसप्लांट से, लाखों लोगों को हार्ट के ऑपरेशन से, लाखों लोगों को लंग ट्रांसप्लांट से, अस्थमा का एलर्जी से लेकर के लंग फाइब्रोसिस तक हमने अच्छा किया है, बचाया हमने। और मैंने औषधि बताइए आपको, अभी ऐसे लाखों लोगों का आंख का ऑपरेशन, अब आंख की बीमारी थी तो अनुलोम विलोम किया लगातार, अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करा दिया, जो बच्चे थे उनको तो शीर्षासन और सर्वांगासन भी करा दिया। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और 4 ग्राम मोती पिष्टि मिलाकर के सुबह शाम खिला दिया। त्रिफला घृत 1-1 चम्मच पिला दिया दूध में, और त्रिफला घृत से अक्षित अर्पण भी करवा दिया। नजर की कमजोरी, आंखों के कितने प्रकार के रोग हैं, वो सब के सब कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के सब रोग मिटाया। और एक दृष्टि आई ड्रॉप हमने लोग घरों में भी बना सकते हैं, सावधानी पूर्वक बनानी होगी, अदरक का छिलका उतार करके रस, नींबू का रस और सफेद प्याज का रस 1-1 चम्मच, और उसमें 3 चम्मच शहद मिलाया, 1-1 बूंद आंख में डाली, कैटरेक्ट ग्लूकोमा खत्म हो जाता है। सफेद मोतिया और काला मोतिया दोनों हमने ठीक किए, बताइए। ऐसे मैंने कहा लाखों लोगों को आंखों का ऑपरेशन, कान का पर्दा का छेद अनुलोम विलोम किया, सारी वाद्यवटी, चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत रसायन दिया, कान के पर्दे के छेद भर गए, कान का जो पस निकलता था वो बंद हो गया, कानों से ठीक से सुनने लगा। ट्राइज जिमिनल न्यूरोलॉजिया तक हमने अच्छा किया, कपाल भाती अनुलोम विलोम करा करके आधा आधा 1-1 घंटा करवाया, और साथ में ही बस सामान्य रूप से ब्लड के सर्कुलेशन के लिए अश्वशिला कैप्सूल, चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुगुल दे दिया। और दर्दों में एलोपैथी की जो पेन किलर्स हैं उनसे भी ज़्यादा पीड़ांतक वटी काम करती है, ये हमने साइंटिफिक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके साबित कर दिया। तो किसी भी प्रकार का घुटने का दर्द, कमर का दर्द, अब असाध्य रोगों में रोमेटॉइड आर्थराइटिस माना जाता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हमने गिलोय, निर्गुंडी रासना, गिलोय निर्गुंडी रासना, या जो है सबको नहीं मिल पाते निर्गुंडी रासना, तो गिलोय और पीड़ांतक क्वाथ, और उसको उबाल लिया अच्छे से, शाम को भिगो के सुबह, सुबह भिगो के शाम को, 2 फीट के करीब डंडी ले ली गिलोय की, सुबह भिगो के शाम को, शाम को भिगो के सुबह, दोनों समय गिलोय का काढ़ा पिलाया। जिनको निर्गुंडी, पारिजात या हार श्रृंगार मिल गया तो वो ठीक है, नहीं तो पीड़ांतक क्वाथ मिला करके पका के पिला दिया। और कोई भी एक गुग्गुल उसकी शरीर की आवश्यकता को देख करके हमारे वैद्य उसको परामर्श दे देते हैं कि उसको चंद्र प्रभावटी के अलावा
योगराज गूगल, सिंहनाथ गूगल, कैशर गूगल, त्रिदशा गूगल, महायोगराज गूगल, जो आवश्यकता होती है गूगल। शरीर में सूजन भी है तो फिर पुनर्नवादी मंडूर, दर्द है तो पीड़ान तक, ये साथ में औषधियाँ दे देते हैं। बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस होने पर महावात, विध्वंसन रस, प्रवाल पिष्टि, बृहतवात, चिंतामणि आदि औषधियाँ दे दी। वातारी चूर्ण सिंपल सा है, वातारी चूर्ण या घर में हल्दी मेथी सौंठ पाउडर बना करके, वातारी चूर्ण या हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर करके और सुबह शाम एक एक चम्मच खिला दिया, लहसुन सुबह खाली पेट दे दिया और वातनाशक जो भी औषधियाँ हैं उनका एक समन्वित प्रयोग करवाया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो जाता है। सामान्य रूप से जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, ESR पॉजिटिव होता है, आर ए फैक्टर पॉजिटिव होता है, उनको गोमूत्र अर्क, गोधन अर्क, ये भी 25 से 50 ml दे दिया खाली पेट, जिसकी जैसी प्रकृति है। पित्त प्रकृति वालों को एक चम्मच से शुरू करते हैं, नहीं तो एसिडिटी हो जाती। पित्त प्रकृति वालों को सामान्य पानी में देते हैं, ना गर्म ना ठंडा, सामान्य पानी में। और जो जिनका फैटी लिवर है, जिनको ओबेसिटी है, उनको थोड़े गुनगुने, जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको थोड़े गुनगुने पानी में देते हैं, तेज गर्म पानी में तो गले में बहुत लगता है। खैर ये प्रयोग हमने किए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस माने क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक आर्थराइटिस, क्रोनिक एसिडिटी। अब एलोवेरा, वीट ग्रास, एलोवेरा, वीट ग्रास, लौकी का जूस, ये तो होम रेमेडी है। घर में एलोवेरा का पत्ते का जूस निकाल लो, वीट ग्रास घर में बोलो, गेहूँ के जवारे और लौकी, तीनों का मिला के पी लो। हम भी उपलब्ध कराते हैं, एलोवेरा भी, वीट ग्रास भी, लौकी का जूस भी, मिला के पी लो। और बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो उसमें सूत शेखर रस, प्रवाल प्रवाल पंचामृत, सूत शेखर और मोती पिष्टी, इसको आधा से एक ग्राम तक सुबह शाम दे देते हैं। और सामान्य एसिडिटी है तो अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शक्ति और 4 ग्राम इसमें मोती पिष्टी मिला के एक एक चम्मच सुबह शाम खा लेते हैं, एसिडिटी खत्म हो जाती है, क्रोनिक एसिडिटी। और एक बहुत भयंकर बीमारी होती है क्रोनिक कोलाइटिस, ये भी बड़ी खतरनाक है। घी मीठा, घी मीठा, दूध बंद, तली हुई चीजें तो खा ही नहीं सकते वो लोग। घी मीठा दूध बंद करा देते हैं, छाछ खट्टा नहीं होनी चाहिए, सुबह जमा करके दोपहर को ले, शाम को जमा करके सुबह ले, और थोड़ा जामुन डाले, खट्टा नहीं होना चाहिए, तो खट्टी छाछ ना हो, दही ना हो, तकरकल्पी भी कराते हैं। अनार, छाछ, बेल, ये घरेलू उपाय है, ये सब प्रयोग कराते हैं। बेल का पाउडर खिला देते हैं, बिल्वचूर्ण, छाछ या दही पिला देते हैं, और अनारस ये जरूर दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको मुनक्का अंजीर भी देते हैं। उनको बिल्वादि चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 100 ग्राम और शंख पर्तक, मुक्ता शक्ति भस्म 10-10 ग्राम मिला करके और 4 ग्राम मोती पिष्टी भी मिला देते हैं, जिससे एसिडिटी ना हो। तो बिल्वादि और गंगाधर चूर्ण 100 ग्राम, शंख कपर्दक मुक्ता शक्ति भस्म होती है, कोई मेटल नहीं होता इसमें, ये खाली कैल्शियम और फास्फोरस बेस्ड, सबको पता है मोती, सबको पता है मोती जो है एक समुद्री जीव भेज पैदा होता है सीप में, उसी की सीप को मुक्ता शक्ति कहते हैं। शंख सब जानते हैं, शंख की भस्म होती है, शंख का पर्दक कोड़ी होता है, शंख की भस्म, कोड़ी की भस्म, मुक्ता शक्ति की भस्म 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, गंगाधर बिलवादी 100-100 ग्राम, पाउडर सब मिला करके ये और एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम दे देते हैं। जबरदस्त इसमें लाभ करती है कुटज, कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच दोपहर शाम, किसी को कुटजारिष्ट अनुकूल ना पड़े तो कुटज की छाल उबाल करके पिला देते, कुटज अतीस, ये बहुत जबरदस्त होते हैं पेट के लिए। कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच दोपहर शाम खाने के बाद और कुटज घनवट्टी और चित्रगाढ़ीवर्ती, ये दो दो गोली सुबह दोपहर शाम खाने के बाद दे देते, कोलाइटिस ठीक हो जाता। तुम कह रहा था ऐसे असाध्य रोग योग से हमने मिटाए, असाध्य रोग, अभी कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस असाध्य हो जाता है। ऐसे ही कितने रोग, मैंने स्किन की कितनी भयंकर बीमारियां, कायाकल्पवटी दे दी, नीमवटी दे दी, गिरोय घनवटी दे दी, जिनको लिकोडर्मा था उनको बाकुची चूर्ण, शुद्ध बाकुची चूर्ण सुबह शाम 2-2 ग्राम खिला दिया, महामंजिष्टाध्यारिष्ट या खदिरारिष्ट दोनों मिला करके 2-2 चम्मच खाने के बाद पिला दिया, ठीक हो गए। अब बाकुची चूर्ण ये गोमूत्र में शुद्ध करने पड़ती है बाबूची को, और बहुत ज़्यादा होने पर श्वेतघ्न लेप या नीम के पत्ते, एलोवेरा, हल्दी और जो
दीमक की मिट्टी होती है ना, उसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से लोग बोलते हैं, उसको लेकर के अच्छी तरह से बारीक छान करके रात को भिगो करके, ये सब एलोवेरा, नीम के पत्ते, गोमूत्र और जो है वो दीमक की मिट्टी, और इसको फिर पेस्ट लगा देते हैं, धूप में बैठ करके प्राणायाम करा देते हैं, लिकोडर्मा ठीक हो जाता है। सोराइसिस के लिए तो जो है एलोवेरा और गाय का तेल ही पर्याप्त है, बाकी एलोवेरा के पेस्ट में ही नीम के पत्ते भी साथ में मिला देते तो और जल्दी फायदा हो जाता है। कपाल भाती अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करवा देते हैं, सुबह सुबह गोमूत्र पिला देते हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, क्योंकि जो जितने भी स्किन के रोग हैं वो मूलतः लीवर की गड़बड़ी से होते हैं। लीवर किडनी का फंक्शन ठीक नहीं है तो वो कपाल भाती से वो ठीक हो जाता है, अनुलोम विलोम से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, स्ट्रेस ठीक हो जाता है। तो स्ट्रेस बढ़ने से, लीवर और किडनी फंक्शन ठीक ना होने से, बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ने से सभी प्रकार के स्किन रोग होते हैं। हमने वो मिटाए, सोराइसिस से लेकर के बहुत ही क्रिटिकल क्रोनिक एक्जिमा लिकोडर्मा तक हमने मिटाया। असाध्य रोग, असाध्य रोग, इनफर्टिलिटी, लेडीज को शिवलिंगी पुत्र जीवक का बीज, कपाल भाती प्राणायाम अनुलोम विलोम, कपाल भाती अनुलोम विलोम, ये दो प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी है। साथ में हमने लेडीज को शिवलिंगी पुत्र जीवक, और मेंस्ट्रुएशन का इंबैलेंस था तो 10 मूल अरिष्ट या 10 मूल को आते, लिकोरिया था तो शीशम के पत्ते पिला दिए, या उनको लिकोरिया के लिए हमने टैबलेट और शरब भी बना रखा है, उसको भी प्रधानामृत को पिला दिया। हमने कुछ ऐसी विशेष औषधियाँ जो अक्सर आयुर्वेद की दवाएं खा नहीं पाते, तो लेडीज़ की लिकोरिया के लिए प्रधानामृत, और लीवर के लिए हमने लिवामृत, ऐसे औषधियाँ भी बना रखी हैं जो अक्सर काढ़े आदि नहीं पी पाते उनके लिए। जबरदस्त लेडीज को जिनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती थी तो उनको शीशम के पत्ते या शतावर का चूर्ण, ये मैंने कहा प्रद्रामृत, नारी सुधा, ये प्रयोग करवा दिया, फलघृत खिला दिया एक एक चम्मच, और शिवलिंगी पुत्र जीवक सुबह शाम 2-2 ग्राम दूध के साथ प्राणायाम किया। यूट्रस के फाइबर्स, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीरियड की दिक्कत, ओवम नहीं बनना, ये सारी चीजें ठीक हो गई। और पुरुषों को कपाल भाती अनुलोम विलोम के साथ साथ जो समर्थ थे उनको शीर्षासन या सर्वांगासन भी करा दिया, 5 मिनट कपाल भाती अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करवा दिया। यौवनामृत चंद्रप्रभा शिलाजीत रसायन, यौवनामृत 2-2 गोली, चंद्रप्रभा 1-1 और शिलाजीत रसायन 1-1, ये गोलियां खिला दी, और उनको अश्वगंधा शतावर सफेद मुसली कोंच का बीज का चूर्ण थोड़ा थोड़ा करके अथवा सबको मिला करके हमने यौवन चूर्ण बना रखा वो खिला दिया, और उनको मूसली पाक दे दिया 1-1 चम्मच, दूध में शिलाजीत पिला दी उनको, दूध में शिलाजीत हल्दी बहुत अच्छे होते हैं, ये यौन शक्ति को बढ़ाते। वैसे महर्षि चरक ने इक्षुदंड का भी बोला, जिनको बहुत पित्त के रोग हैं, धातु रोग हैं, शरीर में कई प्रकार के यौन रोग हैं, तो उनके लिए गन्ने का जूस ये यौन रोगों के लिए भी बताया है, रसायन के तौर पर भी बताया है, और लीवर की प्रॉब्लम के लिए भी बताया है। जिनको बहुत ज़्यादा लीवर की प्रॉब्लम होती है उनको गन्ने का जूस, और उनको मूली का जूस या मूली खाने के लिए भी बोलते हैं लीवर के लिए। खैर, तो हमने इनफर्टिलिटी से लेकर के पास फिसर फिस्टुला, उसके लिए हम जो है अभयारिष्ट दे देते हैं या त्रिफला का चूर्ण खिला देते हैं, और हमने जो है अर्षकल्पवटी सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली, या नागदोन के पत्ते सुबह दोपहर शाम 3 बार, कितना ही भयंकर ब्लीडिंग हो रहा हो। राजेंद्र नगर के भाई राजेश जी को हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स, और दवाएं खा खा करके इतनी ब्लीडिंग होने लग गई कि रोज बाथरूम में खूनम खून। बोले स्वामी जी सब उपाय कर लिए ठीक ही नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा मैं भिजवाता, मैंने यहाँ से संत कुटीर से नागदोन के पत्ते भिजवा दिए, पहले ही दिन से ब्लीडिंग बंद, 3 दिन में पायल्स ठीक, सामान्य चीज़ें।
दूध में नींबू निचोड़ करके खाली पेट पिला दिया, ठंडे दूध में, गाय का ठंडा दूध गर्म करके थाली में डाल दे तो ऊपर पंखा चला तो ठंडा हो जाता है। दूध में, कच्चे दूध में या उबाल करके ठंडा करके दूध में, एक कप दूध के अंदर नींबू निचोड़ करके पिला दिया खाली पेट, 99% लोगों की इसी से ठीक हो जाती है। अथवा शुद्ध कपूर, देसी कपूर, एक चने के बराबर केले में डाल के खिला दे, यह हम हमारे गुरुजी प्रयोग किया करते थे, उनके गुरुजी ने प्रयोग किया करते थे, सैकड़ों सालों से नुस्खा चलाया था। ये मैंने कई बार ये बातें बताई है। पायस फिसर फिस्टूला को हमने ठीक किया, इनफर्टिलिटी को हमने ठीक किया, घुटने घिस गए थे, कार्टिलेज घिस गए थे, वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम थी, प्राणायाम किया, और जो औषधियाँ मैं अभी बता रहा था, बात आ रही चंद्रप्रभा त्रिदोषांग आदि, और जिनको वेरिकोज वेंस थी उनको चंद्रप्रभावटी के साथ साथ पुनर्नवादी मंडूर भी दो दो गोली दे दी, और खाली पेट उनको कायाकल्प वटी और गिलोय घनवटी दे दी, तो ब्लड भी पूरा प्योरिफिकेशन हो गया, और जो वेंस के अंदर जो वाल लगे होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, तो उनको ताकत मिल जाती है गिलोय से, और कायाकल्प पट्टी से शुद्ध भी हो जाते हैं। तो गिलोय, कायाकल्प पट्टी, खाली पेट खाने के बाद चंद्र प्रभावटी और पुनर्नवादी मंडोर दिया, तो वेरिकोज वेंस ठीक हो गए। फाइलेरिया, कपाल भांति आधा आधा घंटा करने से, चंद्र प्रभावटी और कायाकल्प पट्टी, गिलोय घनवटी, ये लेने से फाइलेरिया पैरों में तो होता है, किसी किसी को तो हाथ भी मैंने भारी भारी देखा, हाथ पैरों का, और पायरिया ये भी असाध्य हो जाता है, वो भी ठीक किया हमने। कपाल भाती अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करा दिया, कपाल भाती ये अनुलोम विलोम, ये तो दो प्राणायाम तो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा साध्य रोगों में, जब कहीं पर गांठें हो जाती है, सिस्ट हो जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है, पॉलीसिस्टिक किडनी होती है, यूट्रस में फरवस, ओवरी में सिस्ट, ब्रेस्ट में सिस्ट, हाथों पैरों में कहीं पर भी, पेनक्रियाज में सिस्ट या ब्रेन में सिस्ट, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड में सिस्ट, वो भी कपाल भाती अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करा देते हैं, ब्लड का और एनर्जी का फ्लो इस तरह से दौड़ता है, और इस तरह की पूरी एक अंदर से प्राण शक्ति इस तरह से काम करती है, वो एक अंदर अपने आप ही प्राण के अंदर एक डिवाइन ऊर्जा पैदा हो जाती है, उसके द्वारा सारी गांठें घुल जाती हैं, ये अनुभव के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ। तो कपाल भाती अनुलोम विलोम ये दो प्राणायाम तो संजीवनी का काम करते, और जिनको कोई रोग नहीं है कपाल भाति अनुलोम विलोम आधा आधा एक एक घंटा करें तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, मूर्धरित हो जाते हैं, और सारे तन के मन के सारे क्लेश विकार, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा कि तपस्वाध्याय ईश प्रधानानि क्रिया योग, जो समाहित चित्त वाले उनके लिए समाधि योग का है, जो विच्युत चित्त है और जिनके शरीर में इंद्रियों में बहुत रोग हैं, विकार हैं, दोष हैं, और उन क्लेशों को मिटाने के लिए, हटाने के लिए, जो अनादिकाल से क्लेश मूलक जो कर्माशय हैं और उनके द्वारा उत्पन्न जो वासनाएं हैं, संस्कार, उनको क्षीण करने के लिए कहा तपः स्वाध्याय ईश प्रधानानि क्रिया योग, ना तपस्विनः योग सिद्ध्यति तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम, ऐसा तप होना चाहिए जो चित्त को प्रसन्नता देने वाले हो, तामसिक रासिक तप नहीं करना, बाधा डालने वाला नहीं, अपितु जो जन्म जन्मांतरों के जो क्लिष्ट कर्माशय का और वासनाओं का जो कर्मा जो संस्कारों का कुचक्र है उसको नष्ट करने के लिए प्राणायाम का तप, कपाल भाति अनुलोम विलोम प्राणायाम परम तप, प्राणायाम का तप होने से आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का जो तप है, कई प्रकार का तप है, वो सारा तप सिद्ध हो जाता है, और स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्र अध्ययनम व, और ईश्वर प्रणिधान सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, ये ऐसे भावपूर्वक भस्त्री का कपाल भाति बाह्य प्राणायाम उज्जायी अनुलोम विलोम भ्रामृत गीत करना, और जब समर्पण पूर्वक ऐसा करेंगे तो मैंने कहा सब व्याधियों की समाप्ति और समाधि की प्राप्ति एक साथ योग से होती है, तो अनुलोम विलोम ऐसे लंबा करना, भ्रामरी उद्गीत भी ऐसे ही 11 11 21 21 बार तक कर सकते हैं।
ऐसे भ्रामरी 5, 7, 11, 21 बार तक कर सकते हैं, उद्गीत भी ऐसे ही। फिर श्वासों के साथ मौन ध्यान बोल करके जप करते, इसको वाचिक जप कहते हैं। ओष्ठ हिलते रहें, बाहर ध्वनि ना आए, इसको उपांशु जप कहते हैं। और फिर मन ही मन जप चलता रहे तो इसको मानसिक जप कहते हैं। अब मन से भी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जब हमारा स्वभाव बन गया तो अजप अजप हो जाता है। बस एक बार ओम ऐसे सोचा और ओम में ही खो गए, ओम के ही हो गए। ऐसे श्वासों के साथ ओम का मानसिक जप, अजप अजप या गायत्री का जप, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री का जप करें ऐसे लंबा। ये ओंकार और गायत्री का जप, प्राणायाम का तप, ये बहुत बड़ा है योग विद्या में। मैंने प्राणायाम की महिमा तो बहुत कही और योग में मैंने सर्वाधिक महत्व प्राणायाम को दिया अभ्यास के तौर पर। प्राणायाम के साथ ध्यान जुड़ जाए तो फिर पूरे जीवन का ही रूपांतरण हो जाता है। आप में से बहुत भाई बहन अभी सुबह ध्यान नहीं कर पा रहे लंबा, उनके लिए हम ध्यान का पुनः प्रसारण कर रहे हैं आस्था के माध्यम से। तो अभी जिनके चित्त में बहुत क्लेश है, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, जिनको बहुत अधिक वासनाएं सताती हैं, विकार सताते हैं, उनके लिए महर्षि पतंजलि ने ध्यान के साधन के रूप में क्रिया योग का विधान किया है। तो आस्था के हमारे सारे दर्शक, वे जो सुबह उठकर के जल्दी ध्यान नहीं कर पाते, वे अभी ध्यान का अभ्यास कर लेंगे। ध्यान का अभ्यास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना प्राणायाम जरूरी है इससे भी ज़्यादा जरूरी ध्यान है। मैंने कहा ना, व्याधि से मुक्ति ये तो पहली सीढ़ी है, समाधि की प्राप्ति ये अंतिम लक्ष्य है। तो व्याधि मुक्त और समाधि युक्त जीवन जीने के लिए, व्याधियों की समाप्ति और समाधि की प्राप्ति करने के लिए ध्यान का विधान महर्षि पतंजलि ने किया है। और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। इस पूरे योग का विधान हम यहाँ पतंजलि योग पीठ से कर रहे हैं। आइए अब आप ध्यान के पूरे अभ्यास के लिए आस्था में हमारे साथ आगे बढ़िए।